हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम प्रिस। तो गाइस कैसे हैं आप सब। सो आज मैं करने वाली हूँ अगेन एक प्रोडक्ट रिव्यू प्लस डेमो आप लोगों के साथ शेयर। सो आज का जो प्रोडक्ट है वो है न्यू लॉन्च प्रोडक्ट फ्रॉम बेला बॉस्टे एंड ये आईज एंड लिप मेकअप रिमूवल है। पर्टिकुलरली ये जो मेकअप रिमूवल ये आईज एंड लिप्स के लिए ही है। सो इससे पहले मैंने एक मेकअप रिमूवर का रिव्यू किया था बेला बॉस्टे का, जो कि था एक्वा मेकअप रिमूवर। वो ऑल ओवर फेस के लिए था, लाइक पूरा फेस आईज लिप्स पूरा अपना मेकअप जो है रिमूव कर सकते हैं। बट इसमें लिखा हुआ है बेला बॉस्टे आई एंड लिप मेकअप रिमूवर, तो पर्टिकुलरली ये आईज एंड लिप के लिए ही है। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू करना। एंड ये जो प्रोडक्ट है गाइस ये मैंने परचेज किया था purple.com से एंड मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहां पे जाके इसकी चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, जो कि बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा 50ml का पैकेजिंग है इसका। एंड इसमें मुझे कोई भी बड़ा पैकेजिंग नहीं दिखा था, बहुत ही छोटा वाला 50ml का पैकेज मैंने देखा था जब मैंने फर्स्ट न्यू लॉन्चेस में चेक किया था तब। एंड आई डोंट नो अभी अवेलेबल है कि नहीं है, बट मुझे यही बॉटल दिखी थी। बट ये बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं है एंड कन्वीनियंट है, बिकॉज आईज एंड लिप्स के लिए आपको बड़ा 100ml का आप चाहिए ही नहीं होगा, बिकॉज बहुत कम अमाउंट इसका चाहिए होता है। आप इतना सा जो देख रहे हो ना, ये भी मैंने 4-5 बार जो यूज कर लिया है, तो आप देख सकते हो इतना जो है कम यूज होता है। 2-3 पंप आप करते हो तो आपकी आईज एंड लिप्स क्लियर हो जाती है। इतना मेकअप हम पूरा फेस के लिए नहीं लगाते हैं। सो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड स्प्रे बॉटल में आता है तो और भी ज्यादा कन्वीनियंट है। इसकी कैप बहुत ज्यादा स्टर्डी है गाइस, बिकॉज इसको खोलने में आप देख सकते हो। तो अगर आप ट्रैवल भी करते हैं इसको लेके तो बहुत ही इजी है एंड ट्रैवल करोगे तो ज्यादा ही सही रहेगा, बिकॉज छोटा सा पैकेजिंग है एंड आपके बैग में चला जाएगा। चाहो तो आप अपने लाइक ऑफिस बैग में भी लेके जा सकते हो। सो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका कलर भी बहुत ही क्यूट सा है, लाइक इसका कलर जो है मिंटी ग्रीन एंड मिंटी मिंटी ग्रीन कलर है। मैं कुछ और भी इमेजिन कर रही थी कि कौन सा कलर है, बट ये मिंट ग्रीन है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा लग रहा है। सो इसकी प्राइस है गाइस 149 रुपीज। डिस्काउंट प्राइस में मुझे मिला था आई थिंक 135 या 130 में मुझे ये रिसीव हो चुका था एंड ये जो है 50ml का पैक ही रिसीव हो रहा है। सो इसमें जो फ्रंट में लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है बेला बॉस्टे आई एंड लिप मेकअप रिमूवर एंड क्लींस एंड मॉइस्चराइज, लाइक ये आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा एंड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा, बिकॉज बहुत सारे जो मेकअप रिमूवर होते हैं वो मेकअप रिमूव भी करते हैं प्लस आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को भी निकाल देते हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाती है। सो ये बिल्कुल नहीं करने वाला है। एंड इसमें लिखा है वाटर बेस्ड एंटी ऑक्सीडेंट रिच फॉर्मूला। सो मैं आपको बता देती हूँ, लाइक जो मैंने इससे पहले एक्वा मेकअप रिमूवर बेला बॉस्टे का उसका रिव्यू किया था वो भी एंटी ऑक्सीडेंट रिच फॉर्मूला ही था। सो ये भी सेम वही है। सो इसके पीछे लिखा हुआ है सारी चीजें। सो इसमें लिखा हुआ है डेलिकेट ऑन स्किन, रिजुवेनेट स्किन एंड रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट, नेक्स्ट स्टेप फॉर ऑल स्किन टाइप, लाइक आपकी कोई भी स्किन टाइप आप इसे यूज कर सकते हैं इजीली। सो इसके बेनिफिट्स लिखे हुए, वर्क क्विकली एंड मेक योर स्किन स्मूथ सपल हाइड्रेटेड एंड सुपर क्लीन। एंड इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग एंड फ्रेश फ्रेग्रेंस है इसकी। जब आप इसे मेकअप को रिमूव करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील करती है, ये मैंने खुद फील किया है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है इसकी बात। सो गाइस मैं फर्स्ट आपको बता देती हूँ, मैंने आज फेस पे कोई भी मेकअप जो है अप्लाई नहीं किया है, बिकॉज ये आई एंड लिप मेकअप रिमूवर है तो मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की है। एंड ये जो है आईलाइनर मैंने लगा रखा है प्लस मस्कारा वाटरप्रूफ है एंड जो लिक्विड लिपस्टिक है वो लगा रखी है, अदरवाइज मैंने कुछ भी मेकअप में नहीं कर रखा है। प्लस मैंने कोई भी आई शेडो भी नहीं लगाया है, बस यही टेस्ट करना है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेकअप करते हैं लिप मेकअप या आई मेकअप वो कैसे जो है रिमूव करता है। तो सो चलिए फिर इसका डेमो देख लेते हैं, लाइक ये कैसे जो है मेकअप को रिमूव करता है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इससे मेकअप को रिमूव करना। तो फर्स्ट जो है एक कॉटन पैड लेना है, ये कॉटन बॉल ले लीजिए आप, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं इसके 2-3 पंप जो है ले रही हूँ। तो फर्स्ट आपको थोड़ी देर के लिए जेंटली लाइक उसको रखना है 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद जेंटली आपको इसे वाइप करना है। 2-3 बारी वाइप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो है आईलाइनर रिमूव हो चुका है प्लस मस्कारा भी जो है रिमूव हो चुका है। सो दूसरी आईज पे भी मैं अभी जेंटली रखूंगी एंड इसको थोड़ा सा धीरे से करके वाइप कर लेंगे। तो आप देख सकते हो आईलाइनर के साथ साथ ये मस्कारा भी रिमूव कर दिया इसने, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे।
सो अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि पूरा क्लीन हो जाए मेरा फेस। अब लिप्स के लिए भी वही करेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको 2 से 3 सेकंड के लिए रखना है, उसके बाद जेंटली वाइप करना है। तो लिप्स से पूरा लिपस्टिक नहीं हटा था एक बार में, बट इसको थोड़ा सा धीरे धीरे वाइप करेंगे तो ये जो है पूरा लिपस्टिक भी इसने रिमूव कर दिया है। ये है लिक्विड लिपस्टिक लगा रखी थी मैंने, वो पूरी वाइप रिमूव हो चुकी है। तो अच्छे से मैंने पूरा वाइप कर लिया है इसको, एंड आप देख सकते हैं रिजल्ट, दोनों साइड से आई मेकअप एंड लिप मेकअप रिमूव हो चुका है। एंड अभी मेरे को अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। गाइस आपने देखा इसने कितना इजीली मेरा पूरा मेकअप जो है रिमूव कर लिया है, पूरा नहीं आईज एंड लिप का मेकअप जो कि पूरा था, पर्टिकुलरली जिस चीज के लिए ये मेकअप रिमूवर है उसने अच्छे से रिमूव किया। सो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक अच्छी बात बता देती हूँ, जब मैं मेकअप रिमूव कर रही थी अपनी आईज का तो मुझे मोस्टली जिस चीज से दिक्कत होती है मेरा मस्कारा अच्छे से रिमूव नहीं हो पाता है। जो वाटर बेस्ड मस्कारा होता है, वाटर प्रूफ मस्कारा होता है, वाटर प्रूफ मस्कारा जो होता है वो रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है एंड आई लैशेज टूटने का डर रहता है, बट ये चीज बहुत इजीली मेरे मस्कारा को रिमूव कर दिया इसने। आई लाइनर के साथ साथ ही मस्कारा भी निकल के आ गया जिससे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। इसको यूज करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपने आईज पे या लिप्स पे इसको रखना पड़ेगा, देन आप जेंटली उसको वाइप कीजिए, 2-3 बार वाइप करने के बाद ये पूरा मेकअप रिमूव हो जाता है। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है एंड ये उन लोगों के लिए बेस्ट है एंड उनको रिकमेंड करूंगी जो लोग रेगुलरली ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं एंड सिर्फ आईलाइनर या लिपस्टिक लगा के चले जाते हो एंड आप लोग फेस मेकअप नहीं करते हो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है फॉर आपके आईज एंड लिप मेकअप रिमूव के लिए, क्योंकि आप पूरा फेस मेकअप रिमूवर लेके बैठे रहो पूरे फेस को क्लीन करो ऐसा नहीं है। आपने जो मेकअप किया आप उसके लिए इसको ट्राई कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी वीडियो शूट करती हूँ तो मैं सिर्फ आईलाइनर या लिपस्टिक या काजल या अपना मस्कारा, ये जो है मेरा मेन जो है मेकअप का पार्ट रहता है, मैं फेस मेकअप मोस्टली नहीं करती हूँ। तो मुझे सही रहता है कि फटाफट से जाओ एंड जो भी मैंने मेकअप किया है उसको रिमूव करो एंड फटाफट से फेस को वॉश कर लो, देन हो गया पूरा फेस आपका क्लीन। तो अगर आप पर्टिकुलर इस टाइप की मेकअप करते हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, एंड अगर आप इस टाइप का मेकअप नहीं करते हैं तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके पर्टिकुलर लिप्स एंड आईज के लिए है जो कि बहुत ज्यादा जेंटल होता है। एंड मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है मुझे, एंड मैं आपको बोलूंगी आप डेफिनेटली इसे ट्राई जरूर कीजिए। सो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी गाइस, आप वहां पे जाकर इसकी चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक, एंड अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आपको करना है बेल आइकन को हिट ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।